नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर की विजय नगर पुलिस ने बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र की हत्या करने वाली युवती और उसके साथी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती मृतक के दोस्त टीटू की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। युवती ने बताया कि वो टीटू से एक तरफा प्यार करती है। टीटू ने जब उसे रिश्ता तोड़ दिया तो वो बदला लेने पर उतारू हो गई और टीटू को मारने के चक्कर में मोनू की हत्या हो गई। पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक कार में पांच दोस्त मोनू उर्फ प्रभास पवार, रचित एवं अन्य तीन साथी थे। इसी दौरान एक्टिवा सवार युवती तान्या ने अपने अन्य तीन साथी शोभित, ऋतिक, छोटू के साथ मिलकर कार सवार रचित पर पहले चाकू से हमला किया, लेकिन रचित के बच जाने के कारण दूसरा वार उन्होंने मोनू उर्फ प्रभास पर किया, जिसके कारण प्रभास को चाकू हार्ट के वहां पर लगा और घाव ज्यादा गहरा हो जाने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल जैसे ही पूरे मामले की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित किया और इसी दौरान पुलिस ने इस पूरे मामले से सबसे पहले तान्या को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर शोभित, ऋतिक, छोटू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। तान्या की कार सवार टीटू से पहले से दोस्ती थी और जब टीटू ने उसे एक्टिवा सवार युवक शोभित और छोटू के साथ घूमते हुए देखा तो कार सवार युवक रचित, टीटू और मोनू सहित अन्य युवकों ने इसको लेकर युवती पर कमेंट किया, जिसको लेकर शोभित, छोटू और तान्या ने कार सवार युवकों को पहले रोका, उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ। उसके बाद तान्या ने टीटू और रचित पर चाकू निकालकर हमला कर दिया। जानकारी देते हुए डीसीपी अभिषेक आनंद ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद तत्कालिक हुआ था। थाना विजयनगर का ये पूरा प्रकरण है। कल रात की घटना है, जिसमें तीन लड़के और एक लड़की जो है एक स्कूटी पे जा रहे थे, जिसमें उन्होंने एक गाड़ी के आगे अपनी स्कूटी लगाई और उसके बाद फिर वो गाड़ी पे जो बैठे हुए थे उसमें जो लड़की थी उसके दोस्त थे रचित और टीटू और तीन अन्य लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे। तो लड़की की पहले कुछ कहा सुनी हुई जो गाड़ी में बैठे हुए अपने दोस्त थे, पूर्व के जो दोस्त थे उनसे, उसके बाद फिर जो पहले सबसे पहले गाड़ी में जो आगे ड्राइवर के सीट के बगल में टीटू जो गाड़ी चला रहा था उसके बगल में बैठा हुआ रचित, उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया एक आरोपी के द्वारा। उसके बाद फिर जो उसके पीछे जस्ट पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति था मोनू, उसके ऊपर वो उसकी चूँकि कार की शीशा पूरा गिरा हुआ था तो उसके ऊपर एक हमला फिर से किया गया। जान मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया, जिसमें जो मोनू है उसको हार्ट के पास चाकू लगी। तत्काल उसको उसके दोस्त जो है वहाँ से भंडारी हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद फिर एम्बुलेंस गए वो वहाँ पर, उसको डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। उस पर पुलिस के संज्ञान में रात्रि में आने पर रात्रि गश्त अधिकारी जो प्रभारी में थे पूरे शहर के, लसुड़िया, विजयनगर, MIG और परदेशीपुरा की, और इसके डिफरेंट टीम बनाई गई एक CCTV फुटेज देखने के लिए, कॉल डिटेल्स निकालने के लिए। जो इसमें एक आरोपिया के बारे में पता चला जो इसका नाम तान्या, उस तान्या को राउंड अप करने के लिए और बाकी लोगों के पता रसी करने के लिए, और एक टीम इसके घर के लिए भी रवाना की गई, तान्या के घर की तरफ खरगोन की तरफ। इसमें हमको तत्काल सूचना मिली तान्या के बारे में, यहाँ पर विजयनगर थाना क्षेत्र में शीतल नगर में उसके अपनी जो बुआ है उसके घर पे वो उसके होने की जानकारी मिली, तो पुलिस ने उसको वहाँ से राउंड अप किया। उसके बाद फिर उससे अन्य लोगों की जानकारी प्राप्त की पुलिस ने, और तीन अन्य आरोपी जो तान्या के जो दोस्त हैं उनको भी पुलिस ने राउंड अप किया। तीन अन्य आरोपियों के नाम छोटू जो कि नंदा नगर इंदौर का ही रहने वाला है, इसके अलावा दो अन्य लोग शोभित और ऋतिक ये उज्जैन के रहने वाले हैं। तो चारों आरोपी को पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया। 20 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी आरोपियों के इसमें राउंड अप कर लिया। सर, ये पहचानती थी पहले से तान्या किसी को, क्या मामला? इसमें जो तान्या जो है पूर्व में उस तान्या की दोस्ती रही थी रचित और टीटू के साथ, इनका किसी कारण से इनका मन मुटाव हो गया था, उसके बाद दोस्ती वो टूट गई थी। तो उसी बात को कल जब ये दोबारा मिले तो तान्या और इनके रचित और टीटू के बीच में कुछ बात हुई और उसके बाद फिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें जो दो जो आरोपी हैं जिनके पास चाकू था ये नामचीन जो आरोपी हैं उज्जैन के, शोभित और ऋतिक। ऋतिक के खास करके पांच अपराध हैं उज्जैन में जो गंभीर धाराओं में अपराध हैं, 376, 386, 307, जो कि अभी न्यायालय में कुछ लंबित भी है। इसके अलावा शोभित और छोटू इन दोनों के भी दो दो अपराध पाए गए हैं। तो ये इनके पास चाकू थे, चाकू से इन्होंने पहले हमला किया रचित के ऊपर और उसके बाद फिर इन्होंने मोनू के ऊपर, इससे मोनू को चाकू लगे और उससे उसकी मृत्यु हुई है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।
स्टोर से डाउनलोड करें।